प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीवन का विकास कैसे हुआ है, जीवन का उद्विकास कैसे हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जीवन के विकास को लेकर के अलग अलग अवधारणाएं हैं, अलग अलग विचार हैं, अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग मतों को इसके लिए प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अगर आप प्रचलित मतों को देखें कि जीवन का विकास कैसे हुआ है, तो इसमें जो है तीन चार सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर हम क्रम से बहुत ही सीक्वेंस में उसका वर्णन करें, तो निश्चित रूप से लैमार्कवाद, डार्विनवाद और नव डार्विनवाद और वर्तमान में परितंत्रवाद को शामिल करना आवश्यक हो जाता है। तो उद्विकास को या एवोल्यूशन थ्योरी को अगर आधार बनाया जाए, तो जीवन के विकास के क्रम को निश्चित रूप से निम्न प्रकार से देखा जाता है। सबसे पहले लैमार्कवाद आया और लैमार्कवाद के अनुसार, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि लैमार्कवाद जो सिद्धांत रहा है, इसके जन्मदाता रहे हैं फ्रेंच वैज्ञानिक लैमार्क, जिन्होंने सबसे पहले इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत के अनुसार लैमार्क ने कहा कि जीवधारियों में किसी भी अंग के उपयोग और अनुपयोग से उसके लक्षण अगली पीढ़ियों में परिवर्तित होते हैं। अर्थात जीवों का विकास या अंगों का विकास अंगों के उपयोग और अनुपयोग पर आधारित है। इसीलिए उन्होंने इस थ्योरी का नाम दिया कि हेरिटेबिलिटी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थ्योरी। अर्थात जिस अंग का उपयोग आप करेंगे वो अगली पीढ़ियों में विकसित हो जाएगा, और जिन अंगों का उपयोग आप नहीं कर सकेंगे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अर्थात यूज एंड डिसयूज के आधार पर मनुष्य के लक्षणों का अगली पीढ़ियों में ट्रांसफर होता है। इसी आधार पर उन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत सिद्धांत का सिद्धांत दिया। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण लिया कि जैसे जिराफ की गर्दन का लंबा हो जाना, क्योंकि जिराफ मरुस्थली क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कालाहारी के मरुस्थल के क्षेत्रों में, जहां पर कांटों में पत्तियों को खाने के लिए गर्दन को ऊंचा उठाना होता है, इस नाते जिराफ की गर्दन धीरे धीरे लंबी हो गई। और मनुष्यों में पूंछ का लुप्त या समाप्त हो जाना, जैसे मनुष्य ने अपनी पूंछ का प्रयोग नहीं किया, इस नाते धीरे धीरे मनुष्य की पूंछ समाप्त हो गई। ये सिद्धांत बहुत दिनों तक चला, लेकिन जैसे ही डार्विनवाद आया, डार्विन का सिद्धांत आया, लैमार्क का सिद्धांत इनवैलिड हो गया, अमान्य साबित हो गया। डार्विनवाद का जो सिद्धांत रहा है वो डार्विन के द्वारा सिद्धांत दिया गया, और इस सिद्धांत को नाम दिया गया नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। डार्विन ने प्राकृतिक वरण का सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी और बताया कि उत्पत्ति, चयन और सततता, जनरेशन, सिलेक्शन एंड रिटेंशन, यह प्राकृतिक वरण के तीन चरण हैं। और इसी के अनुसार जो जीव सक्षम होता है, जो जीव अपने को पर्यावरण के अनुसार ढालने में सक्षम होता है, वो जीव आगे विकसित हो जाता है। लेकिन जो अपने को पर्यावरण के अनुसार ढालने में सक्षम नहीं होता है, वो उस जीव का विकास क्रम रुक जाता है और आगे वह विकसित नहीं हो पाता है। तो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी और यह सिद्धांत बहुत दिनों तक चलता रहा। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, मार्क्स ने मनुष्यों में संघर्ष का सिद्धांत दिया था, फ्रायड ने मनोविज्ञान अर्थात मन स्थिति में संघर्ष का सिद्धांत दिया था, ऐसे डार्विन ने भी जीवों में संघर्ष का सिद्धांत दिया और कहा कि प्राकृतिक वरण करने की क्षमता जिसकी होगी वही जीव आगे के चरणों में विकसित होगा, नहीं तो उसके विकास का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा। डार्विन का सिद्धांत बहुत लंबे समय तक चलता रहा, बहुत लंबे समय तक इसको मान्यता रही। लेकिन जैसे आनुवांशिकी के सिद्धांत शोध सामने आते गए
निष्कर्ष सामने आते गए तो धीरे धीरे डार्विन का सिद्धांत अमान्य हो गया, अर्थात जीन थ्योरी आने से डार्विन के सिद्धांत को अमान्यता प्राप्त हो गई। इसीलिए फिर डार्विन के सिद्धांत के स्थान पर नया इवोल्यूशन थ्योरी आई, नौ डार्विनवाद। नौ डार्विनवाद को आप जीनवाद भी कह सकते हैं या जीन उत्परिवर्तनवाद भी कह सकते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे सबसे पहले ह्यूगो डब्रीज एक वैज्ञानिक थे, नीदरलैंड के डॉक्टर थे, उन्होंने सबसे पहले इस सिद्धांत को दिया और बताया कि जीवों में जो गुणों का विकास है, लक्षणों का विकास है, वो प्राकृतिक वरण से नहीं आता और ना ही अंगों के उपयोग अनुपयोग के आधार पर आता है, बल्कि इसके लिए जेनेटिकल रीजन जिम्मेदार होते हैं। जिस जीव में जो जीन प्रभावी होता है वह अगली पीढ़ियों में विकसित हो जाता है और उसी से गुण निर्धारित होते हैं, अर्थात गुणों का निर्धारण पूरी तरीके से जीन के आधार पर होता है, किसी अन्य आधार पर नहीं होता है। और चूंकि आणविक जीव विज्ञान धीरे धीरे विकसित होता गया तो यह सिद्धांत बहुत व्यापक रूप से स्वीकार्य होता गया, लेकिन 2012 तक या कहें 21वीं शताब्दी तक आते आते जीन सिद्धांत भी अमान्य होने लगा और अनेक जो है घटनाओं की व्याख्या करने में सक्षम नहीं रहा। वैज्ञानिकों ने देखा कि जीवों का विकास और जीवों के अंदर विभिन्न प्रकार के लक्षणों का विकास, गुणों का विकास केवल जीन के आधार पर भी नहीं होता, बल्कि इसमें पर्यावरण परितंत्र का बहुत बड़े स्तर पर योगदान है। जैसे देखा गया कि नागासाकी हिरोशिमा में जहाँ 1945 में बम गिराया गया था, वहाँ पर उत्पन्न होने वाले लोग लंगड़े, अंधे और तमाम बीमारियों से ग्रसित होने लगे। अगर जीन सभी प्रकार के गुणों को निर्धारित करता तो वहाँ वैसे लोगों का, वैसी विशेषताओं का विकास नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि परमाणु बम के रेडिएशन से जीन म्यूटेशन हुआ, इसलिए वहाँ पर इस तरीके के गुण विकसित हुए। तो फिर अलग अध्ययन किया गया और देखा गया, चलिए ठीक है ऐसा नागासाकी हिरोशिमा में हुआ, लेकिन जहाँ पर कहीं पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ी हुई है, कहीं पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ी हुई है, कहीं नाइट्रेट की मात्रा बढ़ी हुई है, तो फिर वहाँ वैसा वैसा असर देखा जाता है। जहाँ फ्लोराइड की मात्रा बढ़ी हुई है देखा जाता है, वहाँ पर लोगों को हाथ पैर जोड़ों में दर्द की समस्या होती है और जो घुटनों में दर्द हो जाती है और तमाम प्रकार की समस्या। इसी तरीके से जहां आर्सेनिक की समस्या बढ़ी है वहां अंधेपन की समस्या हो रही है। इसी तरीके से जहां पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है वहां सांस लेने की समस्या मुश्किल हो रही है, तो वहां अंगों का विकास जो है, फेफड़े का विकास या जो है श्वसन में सहायक अंगों का विकास प्रभावित हुआ है। अर्थात धीरे धीरे 21वीं शताब्दी में स्थापित हो गया कि जीवों के अंदर लक्षणों का निर्धारण जो है ना तो केवल जीन के आधार पर है, ना प्राकृतिक वरण के आधार पर, ना अंगों के उपयोग अनुपयोग के आधार पर है, बल्कि इसका बड़ा आधार परितंत्रवाद है, परितंत्र है। अगर अनुकूल परितंत्र नहीं होगा तो निश्चित रूप से अनुकूल गुणों का विकास नहीं होगा, और अगर परितंत्र अनुकूल होगा तो अनुकूल गुणों का विकास होगा। इसीलिए परितंत्रवाद का नया सिद्धांत आया। इसीलिए इकोलॉजी को आधुनिक समय में, वर्तमान समय में नई बायोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत जीव और उसके पर्यावरण के बीच होने वाले अंतर संबंधों या पाए जाने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कोई जीव अपने परितंत्र से, अपने पर्यावरण से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है उसी का अध्ययन पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। और इकोलॉजी के अध्ययन से जीवन के बारे में, जीवन के निष्कर्षों के बारे में नए प्रकार से जानकारी प्राप्त हुई और यह जानना संभव हो गया कि जीवन का विकास, उद्विकास पर्यावरण के अनुकूलता और प्रतिकूलता पर ही निर्भर है। जहाँ पर्यावरण अनुकूल रहे हैं वहाँ जीवन का अनुकूल विकास हुआ है, अंगों और लक्षणों का भी बहुत अनुकूल विकास हुआ है, और जहाँ पर पर्यावरण अनुकूल नहीं रहा, विपरीत रहा है, वहाँ लक्षणों का, गुणों का, अंगों का प्रतिकूल विकास हुआ है। इसलिए वर्तमान में परितंत्रवाद बहुत प्रचलित सिद्धांत है और जीवन के उद्विकास का और जीवन के उद्विकास की व्याख्या का सबसे प्रचलित मत बन चुका है। इसलिए विद्यार्थियों, आप जीवन के उद्विकास को लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नौ डार्विनवाद और वर्तमान में परितंत्रवाद के अनुसार समझ सकते हैं। यद्यपि परितंत्र
की अवधारणा एजी ट्रांसलेक के द्वारा 1935 में ही दी गई थी, लेकिन परितंत्र का इतना बड़ा अर्थ और इतना बड़ा प्रभाव है इसको समझ पाना संभव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अध्ययन व्यापक होते गए, जीवन का अध्ययन व्यापक हुआ और जीवन के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन को कर पाना संभव हुआ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का विकास हुआ, बायो सेंसर का विकास हुआ, बायो सिग्नेचर का विकास हुआ, तो उद विकास और व्यापक हो गया और इस तरीके से परितंत्रवाद का नया सिद्धांत प्रचलन में आ गया। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ करके एक बार समझ लें।